पिताजी हमारे अभी भी वो ये बात कहते हैं, सर एक चीज हमने देखा, वो हमेशा ये कहते रहे कि हम वो भी खेती किए, हमने भी खेती की, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि खेती मत करना, क्योंकि खेती में सर मैंने किया है और मैं जानता हूं उसके बारे में, लेकिन संघर्ष है बहुत ज्यादा। तो इस बात को मैंने अपना एक मिशन बना लिया सर, अब जो इस सर्विस में मेरा मूल लक्ष्य होगा वो खेती और ग्रामीण विकास होगा सर। तो मतलब फिर कोई पिता ऐसा ना कहे कि खेती मत करो, किसी परिस्थिति को ना कोसे, हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, हम हिंदी मीडियम से हैं, हम पहले कमजोर हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, मतलब इन चीजों को ना कोसे। अगर हिंदी मीडियम की कुछ कमियां हैं उनको दूर करके अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है, मैंने इसको प्रूफ किया सर। हेलो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ है राजेश, जिनकी यूपी पीसीएस में 23rd रैंक है और इन्हें एसडीएम की पोस्ट मिली है, उप जिला अधिकारी की पोस्ट मिली हुई है, और हमारे से ये हमारे लिए खुशी की बात है कि इस वक्त ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम लोग इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, इनके बारे में, इनके सारे बैकग्राउंड के बारे में, इन्होंने कैसे तैयारी की, पूरी डिटेल इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे कि इन्होंने कैसे इस मुकाम को हासिल किया। और तो स्वागत है राजेश आपका इस शो में, इस टॉक शो में। जी सर, धन्यवाद। राजेश बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत की, जहां तक मैं आपको जानता हूं कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है, जो आपका एक तरीके से पृष्ठभूमि रही है वो उस तरीके की नहीं रही है, बहुत मतलब आपने बहुत ही शुरुआत से, बहुत ही जीरो से स्ट्रगल किया। तो कैसा, तो इतनी बड़ी जो सफलता है, यानी एसडीएम बन गए आप, एक बहुत बड़ी पोस्ट है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में आपको, तो कैसा फील हो रहा है और कैसा घर वालों को फील हुआ जब आपका रिजल्ट आया? तो सर नो डाउट इसमें हमको भी बहुत खुशी हुई, घर वाले भी बहुत खुश हुए, और घर वालों के साथ साथ हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा और जितने भी मित्र हैं सारे लोग बहुत खुश हैं। खुश होने के साथ साथ सर वो एक चीज और है कि प्रोत्साहित भी बहुत हैं। अब उनको ये लगता है कि खासकर मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, एक ग्रामीण क्षेत्र है, आज भी वहाँ शिक्षा के लिए जो अच्छे सुविधाएं हैं वो नहीं है, दूर हमें जाके शहर में पढ़ना पड़ता है, और हिंदी मीडियम से मैं हूँ, तो उनको ये लगता है कि यहाँ से भी अच्छा काम किया जा सकता है। ये बहुत सकारात्मक प्रभाव है सर, सारे लोग खुश हैं, मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता हो रही है सर। बहुत 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 बढ़िया, होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बहुत बड़ी पोस्ट, बहुत बड़ा सपना आपका पूरा हुआ है, नो डाउट। मतलब एक स्टेट में, यूपी स्टेट में या किसी भी स्टेट का जो सबसे बड़ी सर्विस होती है वो मतलब अगर प्रोविजनल सर्विसेज की बात की जाए तो वो आपने आपको मिल गई है, तो डेफिनेटली इसके बाद तो फिर खुशी होना तो लाजमी है। तो आपका राजेश, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है और आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है वो क्या रहा है? सर अगर पारिवारिक बैकग्राउंड को देखा जाए तो हमारी माताजी कभी स्कूल नहीं गई है, पिताजी बस सामान्य हिंदी भर जानते हैं, मतलब उनकी भी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई है। अच्छा अच्छा और बट वो लोग अशिक्षित हैं लेकिन जागरूक हैं सर। उन्होंने हम लोगों को पढ़ने का मौका दिया, भैया जी हमारे पहले उनकी शिक्षा हुई, वो इस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और सारे लोगों ने मिलके उनका मतलब उनके साथ काम किया, और हमने भी सर मैं आपको बताऊं कि मैं तैयारी करने से पहले मुझे खेती करनी पड़ती थी, क्योंकि इनकम सोर्स का इनकम नहीं था, तो हम लोगों को खेती से अर्न करना पड़ता था, उसके बाद फिर भैया को सपोर्ट किया गया, और फिर जब उनका कंप्लीट हुआ उसके बाद हम यहाँ पे आए। तो सर ये हमारी पारिवारिक बैकग्राउंड है, छोटा सा खेत है सर, और वहां से हम लोग कोशिश की अपना उठने का और हम यहाँ तक फिर पहुंचे, और सर इनकम का भी यही सपोर्ट है और पारिवारिक शिक्षा का भी, तो मतलब हम एक प्रकार से देखा जाए तो ना तो एक रईस घर से आते हैं ना एक बहुत शिक्षित घर से आते हैं, बट जागरूक घर से आते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस गांव से बिलोंग करते हैं, कहाँ है ये गांव आपका? सर अयोध्या जनपद के तारून ब्लॉक में ग्राम पिछौरा एक है, वहां से मैं वहां का रहने वाला हूँ मैं सर। अच्छा अच्छा। प्रश्न, मुझे आठवीं तक पढ़ना, मतलब मैं पढ़ने में बहुत ही कमजोर था, मतलब नीचे से रैंक रहती थी मेरी, तो लेकिन पता नहीं क्या हुआ मुझे ऐसा कुछ लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, आठवीं नौवीं की बात है सर,
तो मुझे ये वहां से मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट जगा। फिर मुझे ये लगा कि मैं पढ़ाई के क्षेत्र में फिर करूं क्या। तो 11वीं में हमारे कुछ दोस्त मिले जिनके गांव के कई लोग आईएएस पीसीएस थे, तो उनसे जब मिला तो उनका उनसे बोला कि आप क्या करोगे। तो उनका फर्स्ट ये मतलब जो प्रायोरिटी होती थी वो ये होता था कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। वहां से मैंने तय किया कि मुझे भी सिविल सर्विस में जाना है। तो ये 11वीं की बात है सर, वहीं से उसके बाद से मैंने कभी भी किसी भी और क्षेत्र में ट्राई नहीं किया, बस एक ही सिविल सर्विस ही मेरा मिशन रहा सर, और उसके लिए मैं तब से प्रयास कर रहा था और सफलता आप जाके मिली मुझे। बहुत बढ़िया। ये कौन सा प्रयास था राजेश जी आपका? सर वैसे तो 2015 से मैं मेंस लिख रहा हूँ, बट 2018 में इंटरव्यू दिया और ये दूसरा इंटरव्यू था, 2015 से मैं मेंस लिख रहा हूँ। इसके पहले सर दो बार यूपीएससी में भी मैंने मेंस लिखा, बट वहां पे मैं फाइनल नहीं कर सका। ओके ओके, मतलब यूपीएससी में भी मेंस आपने लिख रखा है। जी सर। तो आगे का लक्ष्य होगा वो यूपीएससी ही होगा, वो यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट। जी सर, प्रयासरत हैं सर उसके लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप यूपीएससी में आईएएस की पोस्ट पर सेलेक्ट हो। तो आपने एजुकेशन में क्या किया है राजेश? सर मैं भूगोल से एमए हूँ और बीए सर वैसे तो 11 मतलब 9th 10th और इंटर हमारा ये सर हम आर्ट बैकग्राउंड से हैं। उसके बाद हमने बीए किया और फिर भूगोल से एमए किया है सर। तो हम कुल मिला के आर्ट बैकग्राउंड मानविकी से ही हैं। ओके ओके, तो ये मतलब जो आपने ये बीए एमए किया, ग्रेजुएशन किया, कहाँ से किया? ये इलाहाबाद से किया, प्रयागराज से? नहीं सर, चूंकि सर मैंने बताया कि मुझे खेती में भी सहयोग करना पड़ता था, तो मैं घर के पास ही अयोध्या साकेत पीजी कॉलेज है अयोध्या में, मैं वहां से, तो वहां मेरा घर, वहां से घर नजदीक पड़ता था, तो पिताजी के सहयोग के लिए या छुट्टियों के समय मुझे घर पे रहना पड़ता था, तो फिर मैंने वहीं से किया था। ओके, मतलब आपने उसी गांव के एरिया से ही आपने अपने आसपास ही से ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बहुत बढ़िया। देखिए ये उन लोगों के लिए भी बड़ी इंस्पिरेशन की बात है जो कहते हैं कि हम शहर में जाकर, बड़े शहरों में जाकर, आप प्रयागराज, लखनऊ या दिल्ली ही जाकर तैयारी कर सकते हैं या अपना एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उसे बना सकते हैं। देखिए राजेश एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने अपने घर पे सपोर्ट करने के लिए वहाँ वहीं पर रहकर पढ़ाई की, अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं की और अपनी लास्ट तक जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से किया और फाइनली जो है वो सेलेक्ट हो गए। तो देखिए सिलेक्शन आप बहाने बना सकते हैं या सिलेक्शन ले सकते हैं, दो में से एक ही काम कर सकते हैं। अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो आप गांव से भी पढ़कर सिलेक्शन ले सकते हैं और जैसे कि हमारे साथ एक एग्जांपल बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ अगर आपको नहीं सेलेक्ट होना है तो आप गांव से शहर आ जाइए, शहर से विदेश चले जाइए, सिलेक्शन नहीं होना है अगर आप बहाने ढूंढते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है राजेश जी आपकी। तो स्ट्रगल तो काफी किया है आपने, जिस तरीके से आपकी बातों से पता चल रहा है काफी स्ट्रगल किया, पहले कमाया फिर उसके बाद भैया को सपोर्ट किया, भैया को सपोर्ट करने के बाद जब वो खड़े हो गए तो फिर आपकी बारी आई। तो ये स्ट्रगल क्या आपको मतलब उस वक्त इरिटेट करता था, परेशान करता था, या फिर आज उसको मतलब उस वक्त क्या फीलिंग थी और आज की फीलिंग क्या है उस स्ट्रगल को लेकर जो आपने किया? सर स्ट्रगल पिताजी हमारे अभी भी वो ये बात कहते हैं सर, एक चीज हमने देखा, वो हमेशा ये कहते रहे कि हम, वो भी खेती किए, हमने भी खेती की, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि खेती मत करना। तो इस बात को मैंने अपना एक मिशन बना लिया सर, अब जो इस सर्विस में मेरा मूल लक्ष्य होगा वो खेती और ग्रामीण विकास होगा सर। तो मतलब फिर कोई पिता ऐसा ना कहे कि खेती मत करो, क्योंकि खेती में सर मैंने किया है और मैं जानता हूं उसके बारे में, लेकिन संघर्ष है बहुत ज्यादा, तो कुछ खासकर मार्केटिंग से संबंधित, और है सरकार सुविधाएं कर रही है लेकिन लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रही है और अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। तो हमने ये जो हमारा अगर सर्विस का मूल लक्ष्य देखा जाए तो हमने यही तय किया है सर। तो अनुभव तो उस समय था कि वहां से हमें निकलना है, लेकिन अब हमारा ये लक्ष्य है सर कि वहां पे हमें उसके लिए कुछ काम करना है। भाई सीधी सी बात है कि सब लोग शहर में ही नहीं आ पाएंगे और गांव में ही हमारे जो भारत का, भारत की जो आत्मा बसती है वो कहीं गांव में ही बसती है, और सभी लोग अगर शहर आ जाएंगे और शहर में भी एक लिमिटेड पोस्ट है, लिमिटेड जॉब की अपॉर्चुनिटीज है, तो सभी अगर यहां पर आ गए तो फिर गांव
तो पीछे छूट जाएगा कहीं पर। सर गांव में बहुत सारे अवसर हैं, हमको लगता है कि शहर से ज्यादा अवसर, लेकिन बस उनको उभारने की जरूरत और कुछ जो समस्याएं उससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको जो है मेंटेन करने की, मतलब उनको दूर करने की जरूरत है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने की जरूरत है। सर मुझे ऐसा लगता है, अब मैं कितना सफल होता हूँ वो समय बताएगा। नहीं नहीं बिल्कुल आप सफल होंगे। देखिए कभी इरादे जो आपने शुरुआत में इरादे किए कि मुझे इस पोस्ट तक पहुंचना है, आप वहां तक पहुंचे। सर जब आप इरादे कर लेते हैं और आपके इरादे पॉजिटिव होते हैं तो कहते हैं कि पूरी जो कायनात है, पूरी जो पूरा जो ब्रह्मांड है वो आपका आपकी सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। अगर आपके इरादे सही तो उम्मीद करते हैं सर ऐसा ही हो। बिल्कुल, तो आपका जो ये ग्रामीण विकास का जो विजन है आपका, जो एक एक आपने सपना देख रखा है, हमारी दुआएं रहेंगी हमेशा कि आप उस सपने को पूरा करने में सफल हों और वाकई में ईमानदारी से काम करें। अक्सर जो सिविल सर्विसेज में लोग चले जाते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिविल सर्विसेज में गए हैं, लेकिन कहीं वहां पर जाने के बाद एक दबाव उन्हें झेलना पड़ता है और फाइनली जो है वो अपना जो एक सपना देख कर आते हैं उससे थोड़ा सा हट जाते हैं। ये हकीकत और एक रियलिटी है, इसे आप भी शायद जानते होंगे। तो अगर ऐसा दबाव, हाँ ऐसा दबाव और ऐसी चीजों का सामना कभी करना पड़ा तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप उस दबाव को झेल जाएं और अपने मिशन में आप सक्सेसफुल हों। सर जहां तक दबाव झेलने की बात है तो मैं बहुत सारे दबाव झेल के आज तक का जो संघर्ष रहा, हमने बहुत दबाव झेले हैं, बहुत उठापटक देखी है, तो उसको आगे भी हमें संघर्ष करना, तो उसे हम नहीं मतलब उसको हम मानते हैं कि वो आएंगी सर, वो जीवन का एक हिस्सा है और आने भी चाहिए, हमें जीने के तभी अंदाज जो है अच्छे लगते हैं सर, तो वो आनी चाहिए, तो उसे हम नहीं घबरा रहे हैं, बट जो हमारा काम है मैं उसके लिए तत्परता से काम करूंगा और समस्याओं को दूर करते हुए सर। बहुत बढ़िया, हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही, क्योंकि बहुत सारे लोग इस नियत से आपको देख रहे होंगे कि कैसे राजेश जी ने पढ़ाई की, क्या क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कैसे उन्होंने फोकस किया और फिर उन्हें सक्सेस मिली। तो प्रीलिम्स के लिए, अगर यूपीपीसीएस के लिए मैं स्पेशली बात करूं, क्योंकि आपने यूपीएससी भी दे रखा है, आपने यूपीएससी का भी मेंस दे रखा है, आप यूपीपीसीएस फाइनली क्वालिफाई है, एसडीएम की पोस्ट आपको मिल चुकी है, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रही है आपकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें जो नए सिलेबस के हिसाब से? सर जैसा कि पीसीएस में लगभग कहीं से भी आप व्यवस्था कर सकते हैं, दो चीजें हम तीन चीजों पर हमने फोकस किया, एक तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, दूसरे पीटी के लिए जो कंटेंट है उनको जुटाना अलग से, और तीसरा करेंट अफेयर्स पे काम करना। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन और अन्य क्वेश्चनों को जो देखना है सर, मैंने घटना चक्र पे बहुत अच्छे से फोकस किया, कोचिंग मटेरियल मैं सर द काउंसिल से जुड़ा रहा, पूरा सपोर्ट रहा उनका, तो वहां से हमें जो कोचिंग मटेरियल मिले वो, उसके साथ साथ घटना चक्र जो उनका पूर्वावलोकन आता है पीटी का उस पर अच्छे से काम किया, और घटना चक्र की ही करंट अफेयर आती है मैंने उसके लिए काम किया था। ये तीन चीजें रही, उसके बाद किसी कोचिंग का कहीं से आप चाहे कुछ कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चाहे मार्केट में अवेलेबल रहती है उनको ले लीजिए, कोई टेस्ट सीरीज मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए, बस इन चीजों पे हमने पीटी को लेकर अच्छे से काम किया था। और बिहार पीसीएस के एसडीएम थी और उसके बाद बिहार पीसीएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुई एक हमारी स्टूडेंट थी, उनका जो मैं एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा था तो उनका भी यही कहना था। एक जो एक कह सकते हैं क्रक्स निकल कर आता है कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया जाए, चाहे वो इसका घटना चक्र का हो या किसी और भी आप सीरीज का ले सकते हैं, तो वो बहुत हेल्प करता है प्रीलिम्स को निकालने के लिए। तो आप राजेश का भी वही कहना है, वही कहना जो है उससे पहले जो भी आपने अगर वो इंटरव्यूज नहीं देखे हैं, पॉडकास्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, उनका भी यही कहना है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जरूर जाएं, और वो चाहे यूपी पीसीएस हो चाहे बिहार पीसीएस हो, सब में आपको सफलता इसकी मदद से मिल पाती है। जी राजेश बता रहे तो सर यही इसी पे, और प्रीवियस ईयर पेपर जो सॉल्व करने का लाभ होता है वो दो होता है, पहला तो ये कि जो क्वेश्चन रिपीट करने की टेंडेंसी होती है पीसीएस में, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वो हमें वहां पे डायरेक्ट मिल जाते हैं। दूसरी बात क्वेश्चन पूछने का मूड क्या है उनका, जो हम अन्य चीजें करंट पे काम कर रहे हैं या अन्य बुकों पर काम कर रहे हैं, कोचिंग मटेरियल पे काम कर रहे हैं, तो उनको पढ़ने का एक तरीका मिल जाता है सर। ये काम करके फिर हमने पीसी को ध्यान में रखा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो आपने कोई सेपरेट बुक कुछ ऐसी, जैसे कि आजकल उसके लिए देखिए यूपी पीसीएस वगैरह में थोड़ा सा या बिहार पीसीएस वगैरह में फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब तो यूपी पीसीएस काफी चेंज कर रहा है अपने आप को, उसमें कॉन्सेप्ट जिस तरह से यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं उसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर जा रहा है, लेकिन फिर भी फैक्चुअल क्वेश्चन अभी भी हैं। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस को आप कैसे कवर करते थे जो कि गलत नहीं होने चाहिए? अगर वो मतलब होता है ना कि अगर वो गलत हो गए तो फिर आप रेस से बाहर हो जाते हैं। सर इसमें जो मेन फोकस होना चाहिए सर कि बार बार रिवीजन का, जितनी बार फैक्ट हो या कॉन्सेप्ट हो सर दोनों को जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छे से आपको आप एब्जॉर्व कर पाएंगे। तो मुझे याद है कि मैं पेपर के पहले जैसे घटना चक्र की मैं बात कर रहा हूँ या जिन भी कंटेंट की बात कर रहा हूँ तो कोशिश करता था कि घटना चक्र सॉरी पेपर के पहले उसको चार पांच बार उसको रिवाइज कर लूँ। तो जब इतना कर लेते थे सर तो उसके बाद वो चीज़ें तैयार हो जाती थी, उसके बाद आराम से पीटी में हमें कभी 2015 से मैं जैसे बताया कि मेंस दे रहा हूँ सर तो पीटी पीसीएस में हमें कभी दिक्कत नहीं आई, हमेशा हमारा पीटी क्वालिफाई होता रहा। बहुत बढ़िया। और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? सर मेंस के लिए सबसे पहला तो ये होगा कि जो सिलेबस के टॉपिक हैं हर पेपर में दिए हुए हैं, हिंदी का भी अपना सिलेबस है, एसए का भी अपना सिलेबस, सबका सिलेबस है, तो सिलेबस के जितने टॉपिक हैं उनको उन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। 10-20 लाइन में अपना चाहे वो आप बुकों से पढ़िए, उनके लिंक सारे के सारे जो टॉपिक है वो बुकों में नहीं मिल पाएंगे और ना बहुत सारी बुकें आप खरीद सकते हैं सर। तो जितनी आपके पास अवेलेबल बुकें हैं, कुछ जैसे जो अच्छी बुकें हैं जैसे लक्ष्मीकांत हो गए, सबीन्द्र सिंह का भौतिक भूगोल हो गया और जो भी हैं, तो उनसे आप वहां पे जाके तैयार करिए, वहां से लीजिए। उसके बाद जो बुकों में नहीं मिल पा रहे हैं जो टॉपिक, उनको इंटरनेट पे जाके, यूट्यूब पर जाके, और उनका एक जिस्ट बनाया सर हमने 10-20 पे लाइन में या जैसे भी जितने कम से कम लाइन में हो सका, और उसके बाद पूरे सिलेबस को बार बार रिवाइज किया। ये तो पहला स्टेप रहा सर मेरा। दूसरा स्टेप ये रहा कि उनको हम करंट से कैसे लिंक करें, तो जो भी घटनाएं हो रही हैं सोसाइटी की घटनाएं हो रही हैं, टेक्निकल घटनाएं हो रही हैं, कुछ अपडेट हो रही हैं, उनको हमने करंट से लिंक किया। तीसरा ये था सर कि मैंने मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट मतलब जो प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस है उस पर ध्यान दिया। मुझे याद है सर कि इस बार की जो पीटी का रिजल्ट आया है उसके पहले मैंने लगभग 30-40-50 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुका था मैं। बहुत बढ़िया। और यही मेरे जो सिलेक्शन होने का ये है। अभी मैं बात करूंगा, कुछ और चीजों पे भी हमने काम किया जो इस बार मेरा डिप्टी कलेक्टर बनना और इसके पहले सिलेक्शन ना होना, दोनों के बीच ये जो कुछ अंतर रहे यही रहा कि जो हमने आपकी बार मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट पे काम किया। प्रैक्टिस सेट एक दिन में सर पूरा 40-50 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए। इसमें ये पीटी के पहले था। ये पीटी के पहले था, पीटी का रिजल्ट आने के बाद उसके बाद फिर हमने टेस्ट सीरीज भी एक कोचिंग संस्थान से जीएस वर्ल्ड से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था और वहां भी उनका प्रैक्टिस सेट, फिर घर पे भी अपनी प्रैक्टिस किया। तो मुझे याद है एक एक दिन में मैं सर 3-3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता था कि थकने का कोई चांस ही ना बचे। लिखते लिखते वहां जो थक जाते हैं कि पता लगा एक पेपर देने के बाद दूसरे पेपर में एनर्जी खत्म, तो अपने आप को पहले ही उलझा देता था, मतलब पूरा पहले ही थका लो, एक रियाज बन जाए आपकी कि वहां आपको थकना ना पड़े पेपर हाल में। और सर दूसरी बात ये रही कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है पेपर सॉल्व करने का, जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसको हमने बखूबी पालन किया है। उसका हमारा एक एक क्वेश्चन का गुणागणित होता था कि हमें एक क्वेश्चन इतने मिनट में होना चाहिए। तो जैसा कि मुझे याद है छोटे क्वेश्चन जो होते हैं 125 वर्ड वाले, जीएस की मैं बात कर रहा हूँ सर, 125 वर्ड वाले, उनके लिए मैंने 7 मिनट तय किए थे, और जो बड़े क्वेश्चन होते थे 200 वर्ड वाले उनके लिए मैंने 11 मिनट तय किए थे। तो मैं घड़ी को सेट करके रहता था कि एक घंटा 10 मिनट में मतलब 70 मिनट में मुझे हाफ टेंस खत्म करने हैं। और इस प्रकार से हमने जो अपनी रणनीति थी उसको पेपर हॉल के बाहर प्रैक्टिस किया, बनाया और उसके बाद फिर वहां पे इंप्लीमेंट किया सर। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो ये प्रैक्टिस सेट किया टाइमिंग की, अच्छा जब आप प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा सॉल्व करते हैं तो उससे फायदा ये भी होता है कि उसके दिए हुए क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर कर मिल भी जाते हैं, मतलब एज इट इज तो नहीं मिल पाते लेकिन यह है कि वैसे क्वेश्चन या क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है वो कहीं ना कहीं आपके जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हो
मेंस एग्जामिनेशन में, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन जब मिलते हैं तो आपका क्योंकि माइंड में सेटअप है कि कौन कौन से क्वेश्चन का कैसे कैसे आंसर लिखना है, तो क्या होता है वहां पे भी आपको जो टाइम मैनेजमेंट होता है, जो कम टाइम में ज्यादा चीजें लिखनी होती है, वो बहुत आसानी से आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाते हो, अपनी बातों को लिख पाते हो मेंस में, ठीक है। तो वहां प्रैक्टिस सेट करने के नाते हमें सोचना नहीं पड़ता क्या लिखें इसमें, और वही सबसे टाइम ही हमारे लिए वहां इंपॉर्टेंट। हमारे हम कई बार ऐसा होता है कि मुझे क्वेश्चन आते रहते हैं, मैं लिख नहीं पाता हूँ, या सोचना पड़ता है कि मैं कैसे फ्रेम करूं या कैसे लिखूं, ये सब चीजें नहीं करना पड़ता, मतलब हर राटे से कलम चलती है सर वहां। बिल्कुल 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 भाई, सीधी सी बात है, आपने अगर 100 प्रैक्टिस सेट कर लिए, जैसा मतलब मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं कि आपने अगर 100 प्रैक्टिस सेट मिनिमम कर लिए, जैसा आप मेहनत आपने की, तो 100 प्रैक्टिस सेट में आपके कम से कम 1000 से ऊपर क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। अब 1000 से ऊपर अगर क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, तो 1000 क्वेश्चन अगर आपने कवर कर रखे हैं, तो फिर डेफिनेटली हर चीज की फ्रेमिंग आप ऑलरेडी आपके दिमाग में है, बस आपके सामने क्वेश्चन आना है, बस उसका ऊपर नीचे मुश्किल से 30 सेकंड आपको सोचना है कि भाई किस तरह से इसको मैंने रखना है, बस आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन एक बात ये भी यहाँ पे मैं बता दूं, राजेश ने जो ये बात बताई कि हम मैंने 50 प्रैक्टिस सेट जो है वो प्रीलिम से पहले कर लिए थे, फिर मेंस तक, फिर आप पूरा उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, फिर और भी प्रैक्टिस सेट है। सर जो लोग बहुत शुरुआती तैयारी कर रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, वो अलग बात है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है, बहुत मेहनत भरा काम है। मतलब इसमें इस तरीके से अपने आप को जुझाना पड़ेगा कि आप मतलब जैसे होता है ना, बिल्कुल अपने आप को लग जाना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल डेडिकेट कर देना पड़ेगा रात दिन, तब आपको आप इस लेवल तक पहुंच पाएंगे जिस लेवल तक राजेश जी ने मेहनत की है। तो क्यों राजेश, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं है सर। मैंने फेलियर भी देखा है, फिर पास भी देखा, तो मैंने कहा सर यही अंतर रहा जो अब की बार हम जो 2-3 महीने का जो हमारा ये वर्कआउट रहा, यहाँ तक कि मैं मोबाइल बंद कर देता था सर, मुझे मोबाइल फ्लाइट मोड पे की कोई डिस्टरबेंस ना हो, तो मोबाइल बंद करके किनारे रख देता था, बस खाना खाने से सोने से जो मिनिमम हमारे रिक्वायरमेंट है उनसे मतलब होता था, उसके बाद में लगा रहता था। तो ये करना ही पड़ेगा आपको, आप चाहे 2 साल में करिए चाहे 1 साल में करिए। तो जी सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ऑप्शनल आपका क्या था राजेश, ज्योग्राफी रहा होगा? जी भूगोल, क्योंकि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन उसी में रहा है, तो आपका क्योंकि बैकग्राउंड उस एजुकेशनल बैकग्राउंड ये रहा है, इसलिए आपने ऐसा ऑप्शनल लिया, या फिर आपने पहले से ही सोच रखा था इसीलिए ऐसा बैकग्राउंड बनाया, या फिर तीसरा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग मतलब ऑप्शनल है, इसलिए आपने इस ज्योग्राफी को एज ऑप्शनल चूज किया? सर जब से हमारी पढ़ाई में, जैसा कि हमने बताया कि 9th से पढ़ाई में इंटरेस्ट हुआ मेरा, तो तब से ही भूगोल हमारा एक मतलब सबसे पसंदीदा विषय रहा है, और उसका पसंदीदा विषय होने का ये कारण है कि वो सर भूगोल हमें पढ़ना नहीं पड़ता, वो विजुअलाइज होता है। हमने बादल पढ़े तो बादल सामने दिख रहे हैं, हमने मिट्टी पढ़ा तो मिट्टी दिख रही है, साइंटिफिक है, विजुअलाइज होता है सर। तो वो हमारा तभी से उसमें इंटरेस्ट बना, और उसके बाद एमए किया, और एमए के बाद मैंने यहाँ तक सफलता ली उसी से सर। लेकिन भूगोल से सर एक कोचिंग से भी मैं जुड़ा रहा, भूगोल ऑप्शनल के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो बट सर भूगोल में मेरे नंबर नहीं आते थे, ये बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे इंटरेस्ट भी था, मुझे जानकारी भी, लेकिन नंबर नहीं आते थे, ये बहुत बड़ी समस्या। तो हमने बहुत सर उसको तलाशा, 2018 में जब हमारे यूपीएससी के रिजल्ट नहीं आए, तो फिर हमने अपने आप को तलाशना शुरू किया कि कारण क्या है। तो कुछ हमने टॉपर्स के वीडियोज देखे, तो वहां से हमें ये पता चला कि कोचिंग मटेरियल हमें मतलब जो भूगोल ऑप्शनल है वहां से कोचिंग से हम सफल नहीं हो पा रहे। तो सर हमने अपने एमए की फिर बुकें उठाई, और बुकों से एक एक टॉपिक को वहां से चयन किया, जो सिलेबस का टॉपिक है उसको थ्रू हम बुक में गए, और बस बुक में सर पूरे बुक नहीं पढ़नी है, किसी का पूरा बुक नहीं पढ़ना है हमें, वहां से टॉपिक की ओर पढ़ना है, उसको करंट से अपडेट करना है। तो सर हमने बुकों से पढ़ाई की, तो मैं कहूंगा सर अगर आप कोचिंग मतलब भूगोल के मामले में मेरी ये पर्सनल जो हमारा पर्सनल नजरिया है वो ये है सर कि हम कोचिंग नहीं, कुछ सामान्य बुकें 8-10 बुकें हैं सर, उनको सिलेबस के थ्रू उसमें जाइए, वहां से टॉपिक कवर करिए, और उसके बाद लिखने की प्रैक्टिस करिए।
भूगोल के मामले में ये सिलेबस कवर करने के बाद लगभग 15 साल का जो पास्ट ईयर पेपर है उस पर अपनी अच्छी से पकड़ बनाइए। मैं गारंटी करता हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो कोचिंग पे डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं। आप कोचिंग पता लगा साल डेढ़ साल आपने अपने कोचिंग पढ़ा रहे हैं, पैसा भी आपका जा रहा है, टाइम भी जा रहा है। अगर आप अपने से मेहनत करते हैं 3 से 4 महीने में आराम से 4-4, 5-5 घंटे मेहनत करके आपका पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं सर। बहुत अच्छा। तो हमने यही रणनीति, जब हमारे नंबर नहीं आते थे तो मैंने कई लोगों ने यहाँ तक सुझाव दिया कि आप भूगोल छोड़ो, आपका भूगोल से नंबर नहीं आता था, लेकिन मेरी जिद हो चुकी थी क्योंकि मुझे मालूम था, मुझे नॉलेज है, मुझे इंटरेस्ट भी है, लेकिन नंबर क्यों नहीं आ पा रहे। तो फिर पता चला कि हम जो हमारा लिखने का तौर तरीका था वो गलत था, हम सही दिशा में नहीं काम कर पा रहे थे। फिर बुकों से हम गए, बुकों से पढ़ाई की, करंट से अपडेट करके उसको लिखा और यहाँ तक हमारी सफलता हुई। बहुत बढ़िया। तो इसमें एक चीज राजेश मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आपका बैकग्राउंड, अगर जो ऑप्शनल का बैकग्राउंड, अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी वही है जो आपका ऑप्शनल है, तो इससे आपको फायदा मिलता है? बहुत सारी चीजें सर पहले से आप जानते रहते हैं उसके विषय में, बस आपको वहां पर हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड था, यहाँ पर कंपिटेटिव बैकग्राउंड है, बस दोनों में यही चेंज लाना पड़ता है। और उसके बाद आपको मतलब बहुत सारी चीज जी बहुत जी सारे लोग हैं जो इस चीज से भटक जाते हैं, उनका बैकग्राउंड कुछ रहता है और फिर उसके बाद वो ऑप्शनल कोई किसी ने उनको सजेस्ट कर दिया कि जीएस में आपको हेल्प करेगा तो इसके लिए आप ये ऑप्शन ले लीजिए, तो उसकी वजह से वो अपना बैकग्राउंड वाली जो सब्जेक्ट होते हैं उसको छोड़कर और ऑप्शन मतलब कुछ ऐसा ऑप्शनल, ये कभी कभी टीचर्स भी ये काम करते हैं अपने ऑप्शनल्स को दिलाने के लिए, बहुत सारी रणनीति क्लास में, जीएस की क्लास में वो बोलते हैं कि आप ऐसा करिए भाई इसी में नंबर आते हैं और अगर आप इसे नहीं लेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों में बड़ा भटकाव लाने की कोशिश की जाती है, टीचरों के जरिए भी लाई जाती है, सीनियर्स के जरिए भी लाई जाती है और साथ ही साथ बच्चे खुद बहुत ज्यादा भटक जाते हैं जब वो शुरुआती दौर में आते हैं। तो आप ऐसे बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, ऑप्शन लेते वक्त वो क्या ऐसा मापदंड रखें कि उनके उनका उससे सिलेक्शन आसानी से हो जाए? सर भटकाव का मेरा मानना जो कि भटकाव का सबसे मुख्य कारण ये होता है कि फला सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो मैं कहूंगा कि हर सब्जेक्ट नंबर अच्छा देता है, आप लिस्ट देखेंगे तो बस जरूरत ये होती है कि आपकी जानकारी और आपके लिखने के तौर तरीके पे। तो आपका मेरा मानना है मतलब जो लेना चाहते हैं ऑप्शनल चेंज करना चाहते हैं या जो भी रखना चाहते हैं तो उसमें अपना इंटरेस्ट देखें और अपने लिखने के तरीकों को ठीक मेंटेन करें। हर सब्जेक्ट अच्छा है, हर ऑप्शनल अच्छा है, किसी के बहकावे में ना आए, अपने खुद के मोटिवेशन से काम करें। वो मुझे भी कई बार जब नंबर नहीं आते थे तो लोगों ने बोला कि आप चेंज करो और फिर हमने मतलब मुझे लगा कि नहीं, ये चेंज करने से सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं कि जो दूसरा सब्जेक्ट मैं चेंज करूंगा वो हमें नंबर देगा। तो फिर हमने इसी में सुधार करने की कोशिश की और सुधार करके फिर अंततः हमने यहाँ तक सफलता अर्जित की सर। बिल्कुल बिल्कुल। लोग जो सफल होने वाले हैं वो हिंदी, मलयालम और उर्दू जैसे जो है वो लिटरेचर के सब्जेक्ट भी लेकर सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेकर भी सेलेक्ट हो जा रहे हैं, कुछ लोग मतलब सिलेक्शन हर एक सब्जेक्ट से होता है। ये जो बिल्कुल सर बिल्कुल क्रिएट कर दिया गया है कि नहीं आपको पवेट लेना है, आपको ज्योग्राफी लेना है, ये जो ट्रेंडिंग ऑप्शनल होते हैं इसके पीछे बच्चे भागते हैं और ऐसा मतलब टीचर्स भी उनको इस तरह से गाइड कर देते हैं। फाइनली बच्चे जो है वो परेशान होकर, हैरान परेशान होकर कई अटेम्प्ट जब वो लॉस कर देते हैं तो फिर उनको ज्ञान होता है कि नहीं भाई हमें वही ऑप्शनल चूज करना चाहिए था जो मेरा मोड ऑफ इंटरेस्ट था और साथ ही साथ हमारा बैकग्राउंड रहा है। तो ये बिल्कुल रहता है, ऑप्शनल में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है। तो ज्योग्राफी के लिए जो ऑप्शनल आपने तैयार किया उसके लिए कुछ बुक्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि इन बुक्स को करके और आप घर पर ही रहकर विदाउट किसी कोचिंग को ज्वाइन करके आप तैयारी कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं सर। जैसे फर्स्ट पेपर में सर भूआकृति विज्ञान के लिए सबेंद्र सिंह की बुक, जलवायु और समुद्र विज्ञान इसके लिए भी सर सबेंद्र सिंह की बुक, और मृदा एवं वनस्पति विज्ञान पारितंत्र इसके लिए सबेंद्र सिंह की पर्यावरण भूगोल आती है सर, ये भी उन्हीं की बुक थी। उसके बाद सर भौगोलिक चिंतन का विकास फिफ्थ बुक है सर, ये भौगोलिक चिंतन का इतिहास करके है, माजिद हुसैन की बुक है सर। उसके बाद मानव भूगोल, ये भी माजिद हुसैन की बुक, अधिवास भूगोल एस टी मौर्य,
जो हमने पढ़ा था सर, आर्थिक भूगोल के लिए कोई प्रॉपर बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो आपको पूरा कवर कर सके। तो जो इसके लिए मेरा मेन फोकस था वो सर इंटरनेट था, इंटरनेट और यूट्यूब को थ्रो मैंने वहां के टॉपिक कवर किया। और इसका मेन कारण ये होगा कि बुकों से आपको जो पारंपरिक चीजें हैं वो मिलेंगी, लेकिन यहाँ आर्थिक भूगोल में अपडेशन की बहुत जरूरत होती है, तो इंटरनेट हमको अपडेट रखता है। तो यहाँ से हमने उसके लिए काम किया, ये हर साल आपको अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद सर राजनीतिक भूगोल था, इसके लिए भी हमने इंटरनेट का सहारा दिया। तो ये सर फर्स्ट पेपर की बुकें रही। सेकेंड पेपर की जो बुकें रही सर, आरसी तिवारी भारत का भूगोल करके है, ये मैक्सिमम चीजें कवर कर देता है। ये आरसी तिवारी रही। उसके बाद करंट से अपडेशन हुआ, और उसके साथ साथ सर लगभग 15 साल की जो बुकें हैं, सॉरी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, उस पर अच्छे से काम करना उनको चाहे। और सर इतना काम किया, और उसके बाद मैं भूगोल में कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। जैसे जो मैप की प्रैक्टिस है, डायग्राम की प्रैक्टिस है, इन सबको अच्छे से मतलब मैं घर पे अलग से टाइम निकाल के उनकी प्रैक्टिस करता था कि हमारे हाथ फ्लो मतलब अच्छे से चलें। और मैप बनाने में और डायग्राम बनाने में सर हमने कुछ कलर्ड पेन का भी यूज किया, काले नीले पेन से अलग जो एक बैगनी और एक भूरे कलर का भी पेन किया, तो इससे थोड़ा सा पॉजिटिव वो इफेक्ट जाता है। तो ये सर गोल को लेकर हमारी जी अलग दिखता है और उसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखता है, ये चीज हमने फॉलो किया सर। ओके। तो मतलब ये है कि ज्योग्राफी को अगर कोई स्टूडेंट अपने घर में बैठकर और इन सब बुक्स को जो आपने बुक्स बताई और जो आपने स्ट्रेटजी बताई अगर उसे फॉलो करे तो ज्योग्राफी जैसा ऑप्शनल तैयार घर पे ही किया जा सकता है, मतलब अगर वो मेहनत करने को तैयार हो स्टूडेंट तो। बिल्कुल सर, 3 से 4 महीने में अच्छे तरीके से तैयार कर सकता है वो। इस समय मतलब मैं यूपीएससी के लिए उसी पैटर्न पे फिर से मैं यूपीएससी के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी में थोड़े सिलेबस चेंज होते हैं, लेकिन मुझे इससे सफलता मिली है इस पैटर्न पे चल के, मैं सर इसी से आगे के लिए भी काम कर रहा हूँ। मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस का हर टॉपिक जो है बुक्स जो आपने बताई हो उनमें से सेलेक्ट किया जाए और सेलेक्ट करके उसके शॉर्ट नोट्स जो है आप तैयार कर ले और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस कर ले। सर शार्ट नोट हाँ तैयार कर सकते हैं, लेकिन सर भूगोल का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी होता है, तो मैंने नोट्स नहीं बनाई। अच्छा। सर बुकों में ही मैंने अंडरलाइन किया, अंडरलाइन किया या ब्रेकेट किया, तो बस बुकों से ही जितना हमें शार्ट नोट बनाना था उसको हमने बुकों पे ही पॉइंट आउट कर लिया। तो हमने बार बार मैं उसी को रिविजन करता था, और उसके बाद करंट से अपडेशन, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, बस यही 3 चीज है। बहुत बढ़िया। तो इंटरव्यू जैसे आपने फेस किया, तो इंटरव्यू कई ये पहला इंटरव्यू था आपका या इससे पहले भी इंटरव्यूज आप दे चुके हैं? सर 2018 में हमने इंटरव्यू दिया था। ओके। तो इंटरव्यू के लिए क्या स्पेशल तैयारी हो सर? जो बुक जो चीजें सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें मेन तो यही होता है। इस पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आपको जो नॉलेज है, आपका कंटेंट है, वो तैयार है। अब बात आती है दूसरी, एक्सप्रेशन की। आप वहां जाके अपनी बात रख पा रहे हैं, उनसे डर तो नहीं रहे हैं, इन चीजों को काम करने की जो जरूरत होती है वो होती है सर। तो इसके लिए मेरा जो फोकस था वो था कि मतलब दोस्तों से बात करना, इसको लेके मैं बात करना कि आधे घंटे हमें टाइम दीजिए, आप प्रश्नोत्तरी करिए, पहले बात। दूसरी बात ये था कि सर शीशे के आगे मैं अपने आप को रखता था, सामने शीशा रखता था और खुद से बात करता था। कोई प्रश्न हो मैं खुद से आंसर, मुझे जितना लगा अगर मैं अपना प्रश्न खुद से दे पा रहा हूं तो मैं अगले के सामने एक्सप्रेस कर सकता हूं उससे। तो ये 2 चीजें हमारी मेन रही। उसके बाद कहीं पे किसी कोचिंग पे आप अपना मॉक भी दे सकते हैं, तो वहां देके अपना हम यही 3 चीजें हमने किया सर। बहुत बढ़िया। अपने आपका जो एक प्रोफाइल था, जो आपका एक कह सकते हैं कि आपका जो एक प्रोफाइल था, आपका जो बैकग्राउंड था या एजुकेशनल बैकग्राउंड, उससे भी क्वेश्चंस बने इंटरव्यू में? हाँ सर बिल्कुल। एजुकेशनल बैकग्राउंड से हमारा, चूंकि सर भूगोल हमारा बैकग्राउंड भी रहा है, भूगोल हमारा ऑप्शनल भी रहा है, तो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते थे वो भूगोल से मिलते थे, ये हमारे लिए सकारात्मक भी रहता था। और आपके क्षेत्र से भी क्वेश्चंस बने होंगे, आपका जो मतलब कहाँ से आप आते हैं, कहाँ से आपका मतलब
वहां के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें भी आपसे पूछी गई? नहीं सर, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या क्षेत्र से नहीं पूछी गई, लेकिन सर एनसीसी हमने किया था, इस मतलब एनसीसी भी हम कर रखे हैं, तो एनसीसी से उन्होंने काफी क्वेश्चन दागे और वहां पे हमको बहुत उलझाने का भी प्रयास किया, बट हमने धैर्य के साथ उनका उनको देखा और उनके प्रश्नों का जवाब दिया, जो मुझे आ रहे थे नहीं आ रहे थे मैं उनको सॉरी बोलता था। मतलब गलत बोलने से अच्छा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ सॉरी बोल दें, वो ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल सर बिल्कुल, गलत डिसीजन से अच्छा है कि डिसीजन ना लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो राजेश, ये तो आपका सारी चीजें थी तैयारी, इंटरनेट ने आपको कहाँ तक हेल्प की, इंटरनेट का क्या रोल आप समझते हैं, क्योंकि इस वक्त पैंडेमिक के वक्त पर मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर लोग इंटरनेट की ही पढ़ाई कर रहे हैं, और तो आज तो बहुत ज्यादा उसका यूज हो ही गया है, लेकिन अपने आपके समय में, मतलब आज से एक साल डेढ़ साल पहले की मैं बात करूं, तो उस वक्त इंटरनेट कितना आपको अपडेट करने में कैसा योगदान देता था और उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जाए? जैसे सो कभी कभी इंटरनेट एक डिस्ट्रैक्शन भी है, ठीक है, सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन भी है, लेकिन उसी जगह पर सोशल मीडिया और इंटरनेट आपके लिए एक वरदान भी है, बून भी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सर केवल इंटरनेट ही नहीं, मैं पूरे सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे इंटरनेट जो संचार की संचार क्षेत्र है। सर लॉकडाउन के समय हमने इसका बहुत बेहतर यूज किया, तो पहली बात तो सर सिलेबस के टॉपिक कवर करना, चूंकि पेपर भी कुछ समय के लिए बंद हो गए थे तो पेपर हमारे मोबाइल पे आ जाते थे, व्हाट्सएप पे आ जाते थे, मैं वहां से पेपर पढ़ लेता था। दूसरी बात सर, जब लॉकडाउन हो गया चारों तरफ तो हमारी कम्युनिटी मतलब आना जाना बंद हो गया, तो उस समय हम मैं था, मेरे मनमोहन भैया थे और विद्युतमा जी थी, इन तीन लोगों ने एक इनिशिएटिव किया कि हम लोग रोज शाम को एक घंटा मीट करेंगे, तो फोन पे ही हम लोग किसी टॉपिक को लेके या किसी सिलेबस को लेके उस पे आज हमें बात करनी है, तो उस चीज को लेके हम लोगों ने काम किया। तो हम एक टारगेट सेट करते थे कि कल हमें इस पे काम करना है, तो हम लोग अपना काम करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देते थे, तो फिर एक दूसरे का कंपैरिजन होता कि इस पे हमने क्या किया उन्होंने क्या किया, अगर कुछ अलग मिल रहा है तो फिर मैं उसको अपने में ऐड कर लेता था। तो ये तीन ये चीजें जो थी ये हमको बहुत मदद की सर हमारे पूरे सिलेबस को। अब पहले हम अपने अपने डायमेंशन से देखते थे केवल, लेकिन यहाँ पे हमें तीन डायमेंशन मिल गया, तो ये विविधता लाई हमको और उसको हमने अच्छे से प्रयास वो किया। और उसके बाद इंटरनेट का तो है ही कि करंट को अपडेट कैसे करना है, बहुत सारी चीजें वहां से कुछ नहीं आ रहे हैं, अब जैसे टीचर से भी हम संपर्क नहीं कर सकते तो कुछ नहीं आ रहे थे, हम यूट्यूब पर डाल के कोई टॉपिक देखना है तो यूट्यूब पर डाल के इंटरनेट पर डाल के हम वहां से अपना कवर कर लेते थे, तो इसका मैंने बेस्ट यूज किया सर। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग भी है, तो जो जैसा करे मतलब हमने बेस्ट यूज किया, लोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया से मुझे पता चला था कि जब आपका सिलेक्शन हुआ था, आपसे बात हुई थी, तो सोशल मीडिया से आप काफी दिनों के लिए फेसबुक और भी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे दूर हो गए थे, फिर आपने लगभग 2 साल हो गए सर, हम फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दिया था हमने, और व्हाट्सएप को बस उतना ही काम के लिए, कुछ जो ग्रुप है इसके लिए हमें रखना पड़ता था, वो क्या होता है सर, व्हाट्सएप केवल चलाता था, और एक और होता है इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को भी अनइंस्टॉल कर दिया था हमने, और इंस्टाग्राम या ट्विटर ये सब हमारे अभी तक हमने इंस्टॉल नहीं किया सर, तो ये सब नहीं थे बस, हाँ फेसबुक तो यूट्यूब और व्हाट्सएप, यही दो हमारे थे और एक फोन, बस यही इतना। बहुत बढ़िया, तो मतलब ये है कि आपने इंटरनेट का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया, लेकिन सोशल मीडिया को आपने बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं सोशल मीडिया में इन्वॉल्वमेंट आपका बहुत कम था, मतलब सोचो ओवरऑल आपने इंटरनेट को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया, ठीक है, और जहां पर आपको कुछ चीजें स्विच ऑफ मतलब बंद करनी थी आपने बंद की, जहां से आपको फायदा लेना था आपने फायदा लिया, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आपकी रही, और ऐसा इस स्ट्रैटेजी से आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि दिन भर आप फेसबुक पर जबरदस्ती की लड़ाई, जहां से आपको कुछ नहीं मिलना है, जहां से ना आप देश बदल सकते हैं ना दुनिया बदल सकते हैं, वहां पर एक दूसरे के पोस्ट पर कमेंट करके, उनसे लड़ाई करके, झगड़ा करके, अपनी पार्टी अपने उसके खिलाफ अपनी पार्टी को सपोर्ट करके, दूसरी पार्टियों को अगेंस्ट करके, ये सब चीजों से कुछ हासिल, मैं देखता हूँ पूरा युवा वर्ग यही कर रहा है,
ठीक है, बहुत ज्यादा युवा वर्ग, मतलब सभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो है मैक्सिमम युवा वर्ग यही कर रहा है और अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहा है। अगर देश बदलना है, दुनिया बदलनी है, तो वाकई में आपको कुछ एक कंक्रीट काम करना पड़ेगा। आपको वही बात है, सिस्टम बदलना है तो सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा, और सिस्टम के अंदर आने के लिए राजेश जैसी मेहनत करनी पड़ेगी और इंटरनेट का और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। सिर्फ आपके कहने से या लड़ाई झगड़े करने से सिस्टम नहीं बदल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज रहा राजेश साहब। तो राजेश, ओवरऑल अब आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? सर आगे जॉब के साथ साथ यूपीएससी को देखना है मुझे, और वहाँ उसके लिए मैं अच्छी मेहनत कर रहा हूँ सर इस वक्त। बहुत और हाँ, आगे जैसे भी समय रहा 2022 या 2023 में, मैं अटेम्प्ट जैसे भी मुझे उपयुक्त समय मालूम पड़ता है, मैं उसी समय अटेम्प्ट लूंगा और कोशिश करूंगा कि वहाँ भी अच्छी सफलता दूं सर। जरूर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि लोग जो कई, जैसा कि हम आपसे हमसे बात करके आपको भी फील हुआ होगा सर, कि लोग किसी परिस्थिति को ना कोसें। हम ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, हम हिंदी मीडियम से हैं, हम पहले कमजोर हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, मतलब इन चीजों को ना कोसें। अगर उनको अपना कुछ लक्ष्य तय किया है, उन्होंने कुछ करना है, तो वो उन उससे संबंधित कमियों को खोजें, जो उस लक्ष्य की लक्ष्य को प्राप्त करने में जो कमियां हैं उनको खोजें, उन कमियों को दूर करते हुए वो आगे बढ़ें। ठीक है सर, जैसे मुझे घर से शायद दोनों भाई पढ़ने में ना निकल पाते हैं, तो हम लोगों ने काम किया कि नहीं, एक एक को पहले मतलब काम किया जाए। तो भैया ने मुझे सबसे अभी तक की पढ़ाई में सबसे ज्यादा सहयोग मेरे भैया का मिला। जब वो उनका फाइनली हुआ तो उसके बाद से पूरा पूरा सपोर्ट उन्होंने आज तक मुझे किया। तो हमेशा मोटिवेट करते रहे, जब भी मेरे रिजल्ट ना आते तो वो बोलते फिर से तैयारी शुरू करो, आप हताश मत हो। तो हम लोगों ने अलग से काम किया। फिर मुझे भूगोल में जैसे लगा कि नंबर नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी कमी को हमने ढूंढा कि कमी क्या रह जा रही, तो उस चीज को, तो मतलब सफलता में कोसना बंद करके कमी को ढूंढ के उसको दूर करें सर। हिंदी मीडियम में आई होप कि हिंदी मीडियम एक समय तक था कि हाँ नंबर वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, आज भी है कि रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, लेकिन सर हिंदी मीडियम की कुछ कमियां हैं, उनको दूर करके अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है, मैंने इसको प्रूफ किया सर। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात सर। आपने बहुत हर व्यक्ति की अपनी विशेष कमियां होती हैं सर। मेरी कमी थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, या जिसकी भी अपनी विशेष कमियां होती वो उस पे काम करे। वो अगर कोई व्यक्ति हमारी कमी पे ध्यान देगा तो फिर शायद ना सफल हो पाए वो। हर व्यक्ति की अपनी कमी है, वो उस पे ध्यान दे सर। बहुत बढ़िया। तो राजेश ये बहुत सही बात आपने कही कि हम लोग देखिए, कोई भी सिस्टम या कोई भी जिंदगी, कोई भी चीज जो है परफेक्ट नहीं होती है, उसकी कमियों को निकालकर हमें परफेक्ट उसे बनाना पड़ता है। ठीक है, परफेक्शन कहीं पर भी नहीं मिलता है, हमें उसको अपने हिसाब से परफेक्ट बनाना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात रही। और सिर्फ सिचुएशन के लिए थक हार कर उसको कोसना, उसके बारे में कहना और फिर हार कर बैठ जाना, सर उसे हासिल क्या होगा? फाइनली तो आप ही, ये जिंदगी आपकी है, डिसीजंस आपके हैं, लड़ाई भी आप ही को लड़नी है और रिजल्ट मजा भी आपको लेना है अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात रही। तो राजेश, जिंदगी कैसे देखते हैं आप? पूरी अभी तक की जो जिंदगी की जो लाइफ जर्नी आपने जी है, उसको कैसे, अगर कुछ शब्दों में आप बयान करना चाहें तो कैसे बयान करेंगे? सर जिंदगी में संघर्ष है, लेकिन अगर आप सकारात्मक रूप से काम करते हैं तो सर संघर्ष के साथ ही जीने का मजा है। अगर आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा तो जीने का मजा नहीं आएगा। तो संघर्ष के साथ जो जीने का मजा है वो सर अलग ही है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी संघर्ष के साथ सकारात्मक तरीके से जिए आप। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, ये अपने आप को, एक और मेरे दिमाग में सवाल आया कि अपने आप को इंटरटेन करने के लिए भी क्या, भाई हमेशा तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता इंटरटेन, तो अपने आप को इंटरटेन करने के लिए क्या करते थे आप? सर इंटरटेन का मतलब जहां तक उसका सीधा संबंध है कि तनाव से मुक्त होना। तो मैं मेरी जो दिनचर्या है, मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले मॉर्निंग वॉक जाता हूँ सर आधे घंटे के लिए। फिर आते हैं तो नाश्ता करते हैं। नाश्ते में सर चना वगैरह का ही हम मतलब ये जो यही चीजें हैं इन्हीं चीजों को प्रमोट करते हैं हम, ब्रेड या इन सब जो फ्राइड चीजों को नहीं रखते हैं सर। तो ये रहा। उसके बाद सर यूट्यूब पर कुछ सोशल मीडिया साइट्स हैं, जैसे कपिल शर्मा की हो गई या कुछ हो गई, तो उनको मतलब वहां से हम 10-5 मिनट 20 मिनट के लिए जब भी होता है ये करते हैं। शाम को सर मैं डेली ध्यान करता हूँ। अच्छा। विपस्सना
हाँ विपसना करता हूँ, तो वो उससे मुझे बहुत लाभ मिलता है। जिन भी जितने भी दिन के हमारे तनाव होते हैं, वो शाम को 15-20 मिनट में बैठता हूँ तो वहां से मैं रिकवर कर लेता हूँ। तो ये सब तीन चीजें मुझे जो मैं फॉलो किया, यही तीन चीजें थी। लगभग आधे घंटे से 45 मिनट तक मैं अपने लिए देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो जी उसका ना संबंध पढ़ाई से है ना किसी से मित्र से, वो हमारे अपने खुद के लिए होता है। लास्ट में राजेश जो है वो कोई कुछ ऐसी मोटिवेशनल बात जो कि आपको जिंदगी भर आपके साथ रही और हमेशा आपको इंस्पायर करती रही, मोटिवेट करती रही, और आप चाहते हैं कि दूसरे जो स्टूडेंट आपको इस वक्त देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको एक आइडियल मानते होंगे या आइडियल मानने लगे होंगे, तो एग्जैक्टली उनको क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी अगर उस चीज को अपने साथ बांध ले तो सफलता उनको भी मिल सकती है। सर मैं एक लाइन यहाँ पे बोलना चाहूंगा, आप अपने को आराम में रख के अपने मतलब अपनी मनचाही स्थिति नहीं पा सकते। यू विल नेवर अचीव योर गोल इन योर कंफर्ट जोन। अगर आप टारगेट बड़ा सेट कर रहे हैं या मनचाहा टारगेट सेट कर रहे हैं तो 8 घंटा सोना है या ऐसा सा करके आपको अपने शरीर को तोड़ना होगा। तो आप मतलब जो गोल सेट कर रहे हैं उसके लिए जो उसके रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से काम करिए। हो सकता है इस पे आपको दिक्कत हो, लेकिन थोड़ी समय के लिए दिक्कत होता है। जैसे आप जब पढ़ाई में लगेंगे तो आपको सिर दर्द होगा, आपको आंख की समस्या होगी, वो थोड़े समय के लिए होगी। उसके उससे संबंधित जो कमियां हैं उनको दूर करिए, उसके बाद आगे बढ़ते रहिए। सर हर व्यक्ति के लाइफ में यही होता है, मैं शुरू से ही देख रहा हूँ। मतलब संघर्ष में आप जब कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उसमें समस्याएं आती हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए और अपने कंफर्ट जोन को कभी सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव मत रहिए, सेटिस्फाई मत होइए। कई लोग मेरे घर वाले भी कई लोग बोले या मित्र भी बोले कि अब मैं सेटिस्फाई हो सकता हूँ, लेकिन मुझे सेटिस्फाई अभी नहीं होना है। मैं यूपीएससी के लिए काम कर रहा हूँ और वहां भी सफल हो जाता हूँ तो मेरा फिर टारगेट आगे फिक्स है जो ग्रामीण विकास और कृषि विकास है। वहां भी समस्याएं हैं कि उसके लिए मुझे काम करना है, संघर्ष वहां भी होंगे मुझे, तो संघर्ष से कभी नहीं घबराना चाहिए। मतलब हमेशा एक नए जिंदगी अगर जीना है तो हमेशा एक नए गोल को सेट करना है, फिर उसको अचीव करना है, फिर सेट करना है, फिर अचीव करना है, फिर सेट करना है, और इसी तरह से जीवन को हमेशा एनर्जेटिक बना के रखना है और अपने गोल को अचीव करना है। उस गोल तक पहुंच जाने के बाद फिर अगर जैसे सर पहले मेरा टारगेट था मुझे सिविल सर्विस में आना है, आज मैं पहुंच चुका हूं, अगर मैं यहां सेटिस्फाई हो जा दूं तो आगे की लाइफ मेरी नीरस हो जाएगी। तो हमेशा एक टारगेट और मतलब इससे बड़ा टारगेट सेट करिए, सकारात्मक रूप से उसके लिए काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपके आपको यही नहीं कि स्काई इज नॉट द लिमिट, एक होता है ना लोग कहते हैं स्काई इज द लिमिट, बट आपके लिए स्काई जो है लिमिट नहीं है। ठीक है, मेरा एक बड़ा अच्छा, मैं बार बार इस चीज को कोट करता हूँ, हर क्लास में भी कोट करता हूँ कि एक शेर है अल्लामा इकबाल साहब का कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बिल्कुल सर, अभी इम्तिहान और भी है, ये नहीं कि सिर्फ यूपीएससी को क्वालिफाई कर लेना है या यूपीपीसीएस को पहले क्वालिफाई कर लिया तो नहीं सर, ये अभी मेरे लिए लक्ष्य नहीं है, अभी इससे भी बड़ा लक्ष्य यूपीएससी है, उसको करना है, उसे करने के बाद उससे भी बड़ा लक्ष्य है। तो अपने आप को कभी सेटिस्फाई नहीं करना है और हमेशा नए लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ते जाना है और हमेशा उसको एक कह सकते हैं ना कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजंस लेने हैं और डिसीजंस लेकर मेहनत करनी है और फिर सफलता अर्जित करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तो बहुत अच्छी बात लगी राजेश आपकी, और आपसे बात करके बहुत सारे लोग आपकी बात को सुनकर और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मोटिवेट हुए होंगे, जिनके शायद पढ़ने का तरीका आज से बदल जाए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज से अगर उन्होंने कोई ऐसी तैयारी करने के बारे में सोचा ना हो तो आज हो सकता है वो आज बैठ जाएं और उन्होंने वो भी अब एक लक्ष्य बना लें कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है। तो बहुत सारी आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और साथ ही साथ आगे आपके जो भी लक्ष्य हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे और भी जो आपके सपने हैं, उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं कि आप अपने क्षेत्र में आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आप बहुत सारे आप आगे बढ़ते जाएं और लक्ष्यों को प्राप्त करते जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद।